गुड आफ्टरनून एवरीवन, और बच्चों क्या हाल है आपका? वेलकम टू द एकलव्य एजुकेशन। और आपको आज फिर से एक नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ हम लेकर जाएंगे मैथमेटिक्स के वर्ल्ड में। ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स को हम डील करने जा रहे हैं आज, एंड वी आर गोइंग टू मेक अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इडियटिक चैप्टर यू कैन से, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन इसलिए मैं कह रहा हूँ इडियटिक है क्योंकि बिकॉज बच्चे इनको समझने के बाद फिर से भूल जाते हैं। बच्चों को डर लगता है इस चैप्टर से, और कई जगह टीचर्स डरा भी देते हैं इस चैप्टर से कि चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, बच्चों को समझ नहीं आएगा, कई बार करवाना पड़ता है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सब कुछ आसान है, बस आपको फोकस करना है, हाई एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। डरने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। एकलव्य एजुकेशन का मैं आपका टीचर मैथमेटिक्स का सचिन, जो आपको आगे लेके जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट से आपको रूबरू कराएगा, समझाएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको समझाऊंगा, यही तो मेरा काम है। मैं को आपको आगे लेके जाना है ताकि आप अपना फ्यूचर एस्टैब्लिश कर सकें, ताकि हमें भी कोई याद करने वाला हो कि हाँ किसी ने पढ़ाया था। इस बात का ध्यान रखना है कि हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। ये नहीं हो कि हम पढ़ा कुछ हो रहे हैं, आपका ध्यान कहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोकस यहीं पे होना चाहिए क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं, आपको सीखना है, आपको जानना है, आपको पहचानना है कि कैसे क्वेश्चंस को आगे हल करना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंस है। हम रिलेशन एंड फंक्शन को अगर स्टडी करने लगते हैं, पहली बार 11th के अंदर कॉन्सेप्ट आता है रिलेशन एंड फंक्शन का, उसके बाद 12th के अंदर आता है, और यही यहाँ पर लिमिट नहीं है इसकी, ये आगे तक लेके जाएगा आपको। चाहे आप JEE क्लियर करें, नेट क्लियर करें, बेसिक क्लियर करें, एडवांस क्लियर करें, लेकिन ये क्वेश्चंस आने ही आने हैं क्योंकि ये बेसिक है। दैट्स व्हाई इट इज द फर्स्ट चैप्टर इन द 12th NCERT। और वैसे भी नया पैटर्न आ चुका है CBSE वर्ल्ड के अंदर, जिसमें 20 क्वेश्चंस वन वन मार्क के हैं, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चंस मार्क्स क्वेश्चंस। यू हैव टू नो अंडरस्टैंड each and every concept of the questions, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें हल करना है। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा रिलेशन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, क्योंकि आगे हम बातें करते रहेंगे, क्योंकि बातों के साथ पढ़ाई करनी है, हर चीज को लेके आगे बढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन, कि रिलेशन है क्या। रिलेशन, जिसको अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो कहलाता है संबंध। रिलेशन, रिलेशन को ड्राइव किया गया है इंग्लिश के वर्ड से, जिसका मतलब ही रिलेशन है, क्योंकि एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या संबंध है, क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है, क्या कोई कनेक्शन है या नहीं है, यह आपको हर चीज समझ नहीं है, इसी को बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन और फंक्शन की अगर बात करेंगे तो पहले हमें रिलेशन को समझना है, तब जाके फंक्शन समझ में आएगा, क्योंकि रिलेशन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। Function is nothing, it's just a relation. Okay? So don't get confused about function and relation. So first of all, we are going to study and understand the concept of relation here. And relations in mathematics has been drawn from the meaning of relation of two objects or quantities. Clear? और ये objects और quantities जो होती हैं, इनका कोई ना कोई connection या इनका कोई ना कोई link होता है और recognizable होता है। ये कोई तुक्का नहीं है कि ये इसका संबंध उससे है या उसका संबंध उससे है। क्लियर बच्चों? इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे समझने की जरूरत है कि किसका संबंध किससे है। क्लियर? यहां पे हम समझने के लिए रिलेशन को एक एग्जांपल का यूज करने जा रहे हैं। क्या एग्जांपल है, देखिए। मान लेते हैं ए हमारा कोई सेट है। क्या है हमारा ए? सेट। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट्स का सेट है क्लास 12th के, जो चैप्टर चल रहा है क्लास 12th का चल रहा है, तो 12th का क्लास का ध्यान रखना है। ठीक, बी हमने सेट मान लिया उन स्टूडेंट्स का जो क्लास 11th में थे और सेम स्कूल के, जैसे कि हर स्कूल में होता है, हर पेरेंट्स का चाहता है कि जहां से उनका भाई पढ़ रहा है वहीं से उनके बहन या भाई पढ़ ले, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने लिया लॉजिकल, ताकि आप रिलेशन को समझ सको। फैमिली रिलेशन के साथ ही हम समझ सकते हैं क्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आ गया कि ए और बी हमने सेट क्रिएट कर दिया है, रिलेशन का सेट। किसका? रिलेशन का, जिसमें ए और बी जो हैं, हमें रिलेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी का। ए सेट जो था वो क्लास 12th का था,
20 सेट जो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स का है जो सेम स्कूल में पढ़ रहा है। कहां पढ़ रहा है? सेम स्कूल के अंदर। तो ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहे हैं ए और बी। यहां पे जो स्मॉल ए और बी हैं, ये एलिमेंट्स हैं। क्या है बेटा? एलिमेंट्स जो ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहा है। रिलेशन होता क्या है? ए और बी के बीच में रिलेशन यही तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ए की क्वांटिटी या कोई भी चीज का मैटर या ऑब्जेक्ट बी की क्वांटिटी के साथ लिंक है कि नहीं है, कनेक्शन है कि नहीं है, इस चीज को समझना है। तो यहां बोला गया है ए बी जो एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी को बिलोंग कर रहे हैं, ए और बी के रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं इस प्रकार से, इस टाइप से कि ए ब्रदर है बी का, ए ब्रदर है बी का, जो कि आम उमन हर एक फैमिली के अंदर पेरेंट्स करते आ रहे हैं। बड़े को वहां भेजा, छोटे को वहां भेज दिया, तो यहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया हमने दो एलिमेंट्स का। ऐसे दो एलिमेंट्स जिनके बीच में रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है, जो लिंक है आपस में। क्लियर बच्चों? ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। अगर हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, संक्षिप्त में समझाए क्या चीज है ये, तो हम मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन को। आर टू ए टू बी, रिलेशन क्या है हमारा? आर, जो किसको शो कर रहा है? ए से बीच का रिलेशनशिप। क्लियर? तो ये सबसेट होता है ए से बी के कॉन्सेप्ट का। क्या होता है बेटा? सबसेट मतलब कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके क्रॉस को बिलोंग करेंगे, मतलब कि ए बी जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और ये किसका एलिमेंट है? रिलेशन आर का। क्लियर? तो क्या होता है रिलेशन, क्या होता है संबंध, आप इस चीज को जान चुके हो, पहचान चुके हो। एक बार फिर समझा दिया जाता है कि रिलेशन जो है संबंध है मैथमेटिक्स के अंदर, जो दो ऑब्जेक्ट्स या दो क्वांटिटीज को लिंक करता है, जिनके बीच में कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल रिलेशनशिप हो, कनेक्शन हो, लिंक हो। क्लियर? और हम इसको सेट्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि आप 11th क्लास के अंदर जान चुके हैं सेट्स क्या होते हैं। सेट्स एक एरे होता है इंफॉर्मेशन का, जिसको हम दो तरीके से लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म से और रूस्टर फॉर्म से। तो यहां पे हम सेट बिल्डर फॉर्म या रूस्टर फॉर्म के थ्रू रिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि रिलेशन क्या है और कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे, वो सब इसके अंदर समझाया जाएगा। और आपको इन सब डाटा की, सब क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप उस चीज के बारे में प्रैक्टिस कर सके और जान सके कॉन्सेप्ट क्या है और आपको कितनी नॉलेज आ चुकी है। मेहनत करना आपका काम है, करवाना हमारा काम है, वह आपने करना है। इसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जहां पे आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस को बताया जाएगा कि कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। हर एक टाइप को रिलेशन को हमने समझना है, जानना है, पहचानना है। सबसे पहले आ रखा है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी, एम्प्टी को आप जान चुके हो कि एक चीज और बोलते हैं नल। नल जो कुछ नहीं करता, जो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं है जिसके अंदर। नल सेट क्या कहलाता है? नल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, जिसके एलिमेंट्स का आपस में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, उसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन वाला सेट। एक सेट ए है, एक सेट बी है, इनके एलिमेंट्स का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो रिलेशन बना? नहीं बना। क्या रिलेशन के जो सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट आया? नहीं आया। इसी को बोलते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन सेट। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। हम इसको एक्सप्लेन करने से अच्छा क्वेश्चन हल किया जाए, क्योंकि मैथमेटिक्स है बच्चों, बिना कलम चलाए तो कुछ आएगा नहीं, करना पड़ेगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, कह रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। एक सेट ले लिया हमने बॉयज स्कूल का, बॉयज स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। हम यहां पे क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं कि ए कोई बॉयज स्कूल है, उसका सेट है, तो आपको क्या शो करना है? आपको शो करना है रिलेशन इन ए, ए का ही रिलेशन शो करना है, ए का रिलेशन ए के साथ ही करना है, सच दैट ए और बी जो है वो एलिमेंट्स है ए क्रॉस ए के। किसके एलिमेंट्स है? ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स है।
ठीक बेटा। तो रिलेशनशिप बना रहा है ए के साथ, ए का ही ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए के हैं, जिसमें ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। हमें यह शो करना है कि ए क्रॉस ए का जो रिलेशन बनेगा उसमें एक मेंबर दूसरे मेंबर का सिस्टर है। क्या यह पॉसिबल है? अगर है तो नहीं है तो आपको शो करना है कि यह एम्प्टी रिलेशन है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, जैसे कि हमें पता है ये एक बॉय स्कूल है, अगर ये बॉय स्कूल है देयर विल बी नो गर्ल, वहां पे कोई लड़की हो ही नहीं सकती बेटा, बॉय स्कूल में लड़कियां कहां से आएंगी, नहीं है। तो सिंपल सी बात है, बी बी सॉरी यहां पे हम ए की बात करेंगे, ठीक है ठीक है। ए जो है वो सिस्टर हो ही नहीं सकती ऑफ बी की, बिकॉज ए इज नॉट अ गर्ल। क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्कूल कौन सा है? बॉय स्कूल है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सो आर इज एम्प्टी, कोई रिलेशन बन ही नहीं पाया ए का बी के साथ, क्योंकि ए सिस्टर है ही नहीं उस स्कूल में, क्योंकि बॉय स्कूल के अंदर देयर विल बी नो गर्ल्स। ओके, समझ आई बात आपको? बहुत बढ़िया। तो हेंस क्या है ये, आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्लियर बच्चों? तो आपको एम्प्टी रिलेशन क्या होता है समझ में आ गया होगा। पहले मैंने समझाया है कि एक सेट, दो सेट ऐसे हैं जिनके एलिमेंट्स में कोई भी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि रिलेशन कब बनता है? जब कनेक्शन होता है। इस चीज को जानना जरूरी है। जब दो एलिमेंट्स के बीच में, दो सेट्स के बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो क्या कोई सेट बन पाएगा रिलेशन वाला? नहीं बन पाएगा। तो क्या कोई एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर? नहीं होंगे। तो ऐसे सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट। और ये क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है कि एक एग्जांपल दिया है क्वेश्चन के थ्रू कि कैसे कहते हैं एम्प्टी रिलेशन और कैसे फाइंड करते हैं कि एम्प्टी रिलेशन है। क्लियर बेटा? गुड। तो हम ऐसे ही अगले टाइप पे पढ़ेंगे, और अगला टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप इज यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसे कहते हैं? ब्रह्मांड। यूनिवर्स का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड, मतलब एक सेट के दूसरे सेट के साथ कंप्लीट रिलेशन है। हर एक एलिमेंट, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक कॉन्सेप्ट आपस में लिंक कर रहा है, रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है उनके बीच में। तो इस तरह का जो सेट बनेगा रिलेशन वाला, उसका हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, हर एक एलिमेंट, तो हाँ वो यूनिवर्स को क्रिएट कर रहा है, इसलिए कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। वही बात है, थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स समझ में कम आते हैं, तो प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा जरूरी है मैथमेटिक्स वर्ल्ड के अंदर। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम फिर से एक क्वेश्चन को लेके आए हैं आपके सामने यूनिवर्सल रिलेशन को समझाने के लिए। क्या? लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। फिर से स्टूडेंट्स आए हैं, ए हमारा सेट है ऑल स्टूडेंट्स का, बॉय स्कूल का ही है। सेम क्वेश्चन, बस हल्का सा ट्विस्ट कर दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। ले? आपको शो करना है कि रिलेशन ए जो आ ए के अंदर है, आर जो ए के अंदर बना रहा है, मतलब कि ए क्रॉस ए ये बना रहा है रिलेशन। ठीक बेटा? जो रिलेशन बना रहा है उसमें एलिमेंट्स आ गए ए बी। ए बी किसके एलिमेंट्स हैं? आर के। क्लियर? तो द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 meters। क्या कनेक्शन बोल रहा है वो? कि ए और बी के बीच में हाइट का कनेक्शन लेके बोल रहा है। किसको लेके बोल रहा है? हाइट के कनेक्शन को लेके बोल रहा है कि ए और बी के बीच में जो हाइट्स का डिफरेंस है वो 3 meters से कम होना चाहिए। तो ये जो सेट बनेगा 3 meters से कम का डिफरेंस आएगा हाइट का, ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कैसे करेंगे? देखिए,
हम सॉल्यूशन को लेकर चल रहे हैं। ये तो भाई ऑब्वियस बात है कि 12th क्लास का स्टूडेंट है और 11th क्लास का स्टूडेंट है, तो वन ईयर डिफरेंस होगा ऑफ एज। अब वन ईयर डिफरेंस होगा एज का, तो क्या एक बच्चा 12th क्लास में जो है वो मान लेते हैं 5'6" का है, तो क्या दूसरा कितना कम हो जाएगा? वो 5 फुट का होगा। मिनिमम से मिनिमम कितना होगा? 5'5" क्लियर। तो नेचुरल सी बात है, ये एक ऑब्वियस बात है कि ए और बी की जो हाइट का डिफरेंस होगा वो 3 मीटर से कम होगा। तो ए और बी कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहे हैं कंडीशन को। जब कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब ए ए बी बी जितने भी एलिमेंट्स हैं आर के वो फुलफिल कर रहे हैं, तो हेंस आर जो यहां पे है वो यूनिवर्सल रिलेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन को शो कर रहा है, क्योंकि हर एक केस के अंदर बात की जा रही है। तो ए का ए से करेंगे, ए का ए से ही करेंगे जो कि स्टूडेंट्स है बॉयज स्कूल के। हमने तो यहां पे 11 12th का कॉन्सेप्ट लेकर चला लिया, दो अलग अलग सेट बन गए ए और बी, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? एक ही सेट है जिसका ए क्रॉस ए बनाना है, ए क्रॉस ए एक सेट का उसी के साथ का। तो हाइट का डिफरेंस तो स्टूडेंट्स के बीच में होगा ही नहीं, बहुत कम डिफरेंस होगा। 3 मीटर्स तो वेरी ह्यूज डिफरेंस, इट इज नॉट पॉसिबल इन द क्लास, क्लियर। इसलिए ये जो कंडीशन है ये ऑब्वियस कंडीशन है कि डिफरेंस जो होगा हाइट का ए और बी का वो 3 मीटर से कम का ही होगा। तो हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट का, इसका एलिमेंट हर एक एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहा है? इसको, ए क्रॉस ए को, जो क्या है? रिलेशन है, ठीक। तो हर एक एलिमेंट मिलेगा इस रिलेशन के सेट में, तो ये बन गया यूनिवर्स सब कंबाइंड, ये है यूनिवर्सल सेट। क्लियर बेटा, समझ में आ गई होगी बात? क्योंकि बहुत प्यारे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, आपने बस उस चीज को समझना है और हर चीज की प्रैक्टिस करनी है। बेसिक्स है, इन चीजों के बारे में हर कोई बताता नहीं है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, आगे है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हर बोर्ड के क्लास में मिलेगा ही मिलेगा आपको, 12th क्लास का क्वेश्चन है बहुत प्यारा रिलेशन का, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन सा रिलेशन बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। किस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस है? पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि इक्विवेलेंस कर रहे हैं। होता क्या है इक्विवेलेंस? इक्विवेलेंस एक पर्टिकुलर रिलेशन है जो 3 conditions को फॉलो करेगा, 3 तरह के रिलेशन को शो करेगा। पहला केस, ऐसा रिलेशन जो क्या हो? रिफ्लेक्सिव हो। दूसरा केस, जो सिमेट्रिक हो। तीसरा केस, जो ट्रांजिटिव हो। अगर कोई रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई कर देगा, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा कोई रिलेशन, तो वो रिलेशन कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलता है बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत बढ़िया, अच्छी तरह समझिए इस बात को। अब एक समझने वाली बात क्या है, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूं। पहले समझाने जा रहा हूं मैं रिफ्लेक्सिव को। ये रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं कि
ए सेम एलिमेंट ए के रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, सेम एलिमेंट ए के रिलेशन को बिलोंग कर जाए, अगर वो एलिमेंट अपने आप को रिपीट कर दे रिलेशन के अंदर शो कर दे, तो यह रिफ्लेक्सिव है. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जितने भी ए हैं उनको बिलोंग कर रहा है आर के साथ, उनके साथ हमें रिलेशन शो करना है. ठीक है, अगर हर एक एलिमेंट अपने आप को ही अपने आप के साथ रिलेशन बना दे हर एक एलिमेंट, तो वो कहलाएगा रिफ्लेक्सिव है. क्या है वो? रिफ्लेक्सिव. बात समझ में आई बच्चों कि नहीं आई? गुड, आई. तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिमेट्रिक की. तीसरी कंडीशन सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक कहलाती है. सिमेट्रिक कहलाती है कि मान लेते हैं एक सेट है ए और बी का, दो एलिमेंट्स आ गए डिफरेंट, इस बार सेम वाला केस नहीं है, सेम वाला केस तो रिफ्लेक्सिव में हो गया. सिमेट्रिक को समझना दो एलिमेंट्स के साथ, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, अगर वो एक रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं एंड वही सेट बट इन रिवर्स ऑर्डर, अगर ए बी को बिलोंग कर रहा है आर में, अगर बी भी ए को बिलोंग कर जाए आर के अंदर, फॉर ऑल ए और बी, ठीक है, हर एक ए और बी के लिए अगर ए का बी के साथ सेट है, कोई रिलेशन है जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, साथ ही साथ अगर ए बी के साथ कर रहा है, अगर बी भी ए के साथ कर जाएगा, अगर बी भी ए के साथ कर जाएगा तो केस बन जाएगा सिमेट्रिक का. किसका बन जाएगा बेटा केस? सिमेट्रिक का केस बन जाएगा. क्लियर बेटा? ए बी बी ए, क्या करना है बेटा? ए बी बी ए अगर शो हो जाए तो वो सिमेट्रिक है. अगला है थर्ड वन, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, इसमें दो सेट्स की बात कर रहे हैं जिसमें दो सेट्स कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं रिलेशन के, तो उन दो के साथ जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो बाकी दो एलिमेंट्स भी सेट बनाएंगे उसी रिलेशन में, तो केस आ जाएगा ट्रांजिटिव का. किसका केस आ जाएगा बेटा? ट्रांजिटिव का. कैसे? इफ ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं और बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, अगर दोनों सेट हैं, ए बी भी रिलेशन बना रहे हैं और बी सी भी रिलेशन बना रहे हैं, इसका कंडीशन क्या इंप्लाई हुआ? इंप्लाई ये हुआ कि ए और सी भी अगर आर को बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल ए बी सी, तो जो सेट बना है आपका, ये जो केस बनेगा आपका, ये कहलाएगा ट्रांजिटिव. क्या कहलाएगा बेटा? ट्रांजिटिव. ए बी आर बना रहे हैं, बी सी भी आर बना रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, कॉमन कौन सा एलिमेंट हुआ? बी. बी को एक्सक्लूड कर दिया जाए और ए सी को देखा जाए, ए सी का जो सेट बनेगा अगर वो भी रिलेशन के अंदर है, रिलेशन बना रहा है, तो मतलब ये जो सेट मिला है आपको, ये जो रिलेशन मिला है आपको, ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन बना रहा है. क्लियर बात? और जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव को, सिमेट्रिक को और ट्रांजिटिव को शो कर जाए, इन तीनों को शो करने वाले को बोलते हैं इक्विवेलेंस. क्या बोलेंगे बेटा? इक्विवेलेंस. बात समझ में आई? बहुत बढ़िया. ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो इक्विवेलेंस है, अगर कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो इक्विवेलेंस नहीं है. क्लियर? बेसिक कॉन्सेप्ट कि कैसे बनाते हैं इक्विवेलेंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. क्लियर? वेरी गुड. नाउ वी अगेन मूव टू क्वेश्चन, क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज हो गई, कॉन्सेप्चुअल चीज हो गई, अब आपको हम क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं. क्वेश्चन आ गया, आपने क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन हाजिर कर दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के साथ. क्लियर? ऐसे ही मुस्कुराते रहिए. चलिए, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड. जेड क्या होता है? इंटीजर्स, लिखा भी हुआ है. गिवन बाय, हमें एक रिलेशन दे रखा है इंटीजर्स के सेट का. क्या? ए और बी बिलोंग कर रहे हैं, एक सेट है रिलेशन का ए और बी जिसमें कंबाइन एलिमेंट्स हैं, जिसमें ए माइनस बी जो है, जब ए को में से बी को माइनस कर दिया गया तो वो टू से डिविजिबल है.
ऐसा केस दे दिया है और कह रहा है प्रूफ करो कि इक्विवेलेंस है। अब इक्विवेलेंस है तो तीन कंडीशन शो करनी पड़ेगी, फिर से भूलिएगा मत। पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव, दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक एंड तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव। ऊपर मार्क भी कर रखा है, ले इन तीनों को शो करने जाना है। तो पहला केस लेकर चलेंगे हम रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम, रिफ्लेक्सिव मतलब एक एलिमेंट अपने साथ ही रिलेशन बनाएगा, देखते हैं कैसे। हम लेके चल रहे हैं ए ए, जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, आर को, ठीक है। तो ए माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा अच्छा जानते हैं ए माइनस ए क्या होगा, जीरो। और जीरो तो सभी को डिवाइड कर देता है, तो यस टू टू डिवाइड्स ए माइनस बी, बिकॉज टू जीरो तो जीरो डिवाइड हो गया भाई, रिमाइंडर जीरो चाहिए डिवाइड करने पर, क्लियर। तो ये इट्स रिफ्लेक्सिव, हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये रिफ्लेक्सिव है। बात समझ आए बच्चा, बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं हम आगे, सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं हम, ए बी को ले रहे हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो एक ही एलिमेंट को लेते हैं भाई, सिमिलर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए माइनस बी ठीक है, हाँ, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू, हमें दे रखा है। अगर a माइनस बी टू से डिविजिबल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं, फोर माइनस टू, आंसर क्या आया, टू। डिविजिबल है कि नहीं है, है। ये a माइनस बी हो गया, अगर b माइनस a करेंगे जैसे कि टू माइनस फोर, तब क्या आया, क्या है बच्चों, बिल्कुल सही बात है, माइनस टू। ये भी तो टू से डिविजिबल है कि नहीं है, है। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए ऐसे ही। तो a माइनस बी अगर डिविजिबल है टू से, तो b माइनस ए भी डिविजिबल होगा। तो मतलब क्या हो गया, कंडीशन के हिसाब से b कॉमा ए बी आर बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, बहुत बढ़िया। तो b कॉमा ए बी एक रिलेशन बना रहा है जो कि रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो हेंस लास्ट में क्या लिखेंगे, ये सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिक कंडीशन है। तो हमने दो कंडीशंस फुलफिल कर दी, एक रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक। अब हम तीसरे की तरफ जाएंगे जो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव। क्या कहलाता है बेटा, ट्रांजिटिव कहलाता है, और ट्रांजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। ट्रांजिटिव को लेकर चल रहे हैं, ट्रांजिटिव पे फोकस करेंगे। ट्रांजिटिव क्या कहलाता है, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय टू। ए को सेट लेंगे बी कॉमा सी, ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ, बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय टू। क्लियर बेटा, क्वेश्चन के हिसाब से ए बी अगर रिलेशन बना रहा है तो ए माइनस बी डिविजिबल बाय टू है। ऐसे दूसरा सेट लेंगे एलिमेंट का, बी कॉमा सी हमें रिलेशन बना रहा है, रिलेशन के अंदर है, तो बी माइनस सी भी डिविजिबल बाय टू होगा। अब फोर कौन सा, ए सी, ए सी को कैसे शो करेंगे, ए माइनस सी। ये कैसे आया, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, हमने ऊपर वाली कंडीशन ले ली, ए माइनस बी ले ली ए बी से, और बी माइनस सी ले ली बी सी से, दोनों को ऐड किया तो क्या मिला, बी से बी कट गया तो क्या मिला, ए माइनस सी। अगर ये टू से डिविजिबल है और ये भी टू से डिविजिबल है, तो ये भी क्या होगा,
टू से डिविजिबल होगा। कैसे? क्योंकि अगर a माइनस बी टू से डिविजिबल है तो ये क्या है? इवन नंबर है, नेचुरल सी बात है। टू से डिवाइड होने वाले नंबर को क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। अगर b माइनस सी भी टू से डिविजिबल है तो ये भी क्या है? इवन नंबर। अब दो इवन नंबर को ऐड करेंगे, जो यहां पे किया है हमने, दो इवन नंबर को ऐड किया है, दो इवन नंबर को ऐड करने पे भी इवन मिलता है। छोटी क्लास में सीखा है, सिक्स सेवन क्लास के अंदर, सिक्स सेवन क्लास में तो पढ़े थे, बिल्कुल सही बात है। तो दो इवन नंबर को प्लस करने पे भी इवन नंबर मिलता है। अगर एक पार्ट टू से डिवाइडेबल है, दूसरा भी टू से डिविजिबल है, तो जो आंसर आएगा प्लस करने पे, जो कि इवन नंबर है, तो वो भी टू से डिविजिबल है। बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या हो गया? ए सी बी रिलेशनशिप बना रहा है। तो हमने शो कर दिया कि रिफ्लेक्सिव है, हमने शो कर दिया कि सिमेट्रिक है, इसी प्रकार से हमने शो कर दिया कि ट्रांजिटिव है। तो फंक्शन के लिए क्या एस्टैब्लिश कर दिया? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। क्या शो कर दिया बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। समझे इस बात को? बहुत बढ़िया। और आगे ही इसको लेके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हल करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी के हिसाब से, आपकी सीबीएसई के हिसाब से, नेट नीट नीट तो है ही नहीं, सॉरी, जेई के हिसाब से, एडवांस एंड बेसिक। क्लियर? पहला क्वेश्चन है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन सेट ए। ए का सेट है कोई, उसमें रिलेशन आर एस्टैब्लिश हो रहा है, उसमें एलिमेंट एक्स है जो कि क्या है? जेड। और जेड आपको पता है किसको बताता है? जेड इज इंटीजर। क्लियर बेटा? इंटीजर तो 0 से 12 के बीच में है। पहली बात तो हम एक सेट को बना ही लेते हैं कि सेट है क्या। ठीक है, तो हमारा जो सेट है वो क्या बन जाएगा? 0 से 12 के बीच का, जिसमें 0 और 12 भी इंक्लूड है, इक्वल टू स्टेबलिश हो रखा है यहां पे, समझ रहे हो? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत बढ़िया, काउंटिंग आती है आपको, अच्छी बात है। चलो क्वेश्चन किया गया आगे फिर। क्लियर? 0 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स इंक्लूड हो चुके हैं सेट के अंदर, और हम रिलेशन बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? रिलेशन। बिल्कुल सही, ध्यान दीजिएगा। पहला पार्ट, दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। आर है रिलेशन हमारा, जिसमें ए बी एलिमेंट्स हैं। ए बी इस प्रकार से है कि ए बी का सब्ट्रैक्शन कर रखा है, उसका मॉडुलस ले रखा है। क्या ले रखा है बेटा? मॉडुलस। मतलब द सब्ट्रैक्शन विल ऑलवेज शो द पॉजिटिव वैल्यू, वेदर इट इज नेगेटिव इनसाइड और पॉजिटिव इनसाइड, द आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ओके, तो मॉडुलस ले रखा है, मल्टीपल ऑफ 4 दिखा रखा है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया डिवीजन ऑफ बाय 2, डिविजिबल बाय 2, सेम प्रोसेस, नथिंग इज डिफरेंट। क्लियर? तो हमें यहां पे दिखाना है a माइनस बी का जो मॉडुलस है वो मल्टीपल ऑफ 4 शो करना है। क्या शो करना है बेटा? मल्टीपल ऑफ 4। तो सेम पहले करके चलेंगे, पहले हम रिफ्लेक्सिव फॉलो करेंगे। रिफ्लेक्सिव मतलब सेम एलिमेंट का रिलेशन, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर। तो ए माइनस ए का जो मॉडुलस लेके चलेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल कम 0। बिल्कुल सही बात है, जो कि फोर का मल्टीपल है। 4 0 0, वेरी गुड, नॉलेज है, बहुत बढ़िया। तो 0 जो है आंसर आ रहा है, तो 0 क्या 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव। अगला केस लेके चलते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या शो करना होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर फिर हमें दो एलिमेंट्स लेने होते हैं, ए और बी, मानते हैं कि रिलेशन के अंदर है, जो दे रखा है हमें, ऑलरेडी दे रखा है ए और बी इसके अंदर,
सेट के साथ, क्लियर। तो ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इट इज गिवन, क्लियर बेटा। तो हम बी ए को भी लेकर चलेंगे, जरा बी ए को लेकर चलेंगे तो क्या मिल रहा है हमें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इंप्लाइज क्या कर रहा है हमें कि बी माइनस ए का लेंगे, वही वाली बात हो गई बेटा, फिर से समझिएगा। अगर 4 माइनस 12 है, मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8 का मॉडुलस यानी कि 8, क्या यह 4 का मल्टीपल नहीं है? बिल्कुल है। और अगर हम ऐसे कर लें 12 माइनस 4 का मॉडुलस लेके चलेंगे तब भी तो हमें पॉजिटिव मिलेगा आंसर, क्लियर। पॉजिटिव का करेंगे मोड तब भी तो पॉजिटिव मिलेगा, तो ये भी तो 4 से मल्टीपल है, ये 4 से मल्टीपल, ये 4 से मल्टीपल, मतलब आगे पीछे कर देंगे नंबर्स को, सेम नंबर्स हैं। अगर a माइनस बी मल्टीपल है 4 का तो b माइनस ए भी तो मल्टीपल है 4 का, सिंबल भी अलग नहीं है क्योंकि मॉडुलस लगा रखा है, आंसर पॉजिटिव ही मिलना है, क्लियर बेटा। तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ 4, सो जो b कॉमा a है वो किसको बिलोंग करने जा रहा है, r को, किसको बिलोंग करने जा रहा है, r को। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देख लीजिए 2 और 6 का, 2 माइनस 6 करेंगे, 2 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 4 आएगा, मॉडुलस करेंगे तो 4 आएगा, 4 वन ज 4 मल्टीपल है। वैसे ही अगर 6 माइनस 2 कर देंगे मॉड का तब भी तो 4 आएगा पॉजिटिव में, अगेन इट इज मल्टीपल ऑफ 4, एंड द सिंबल डजंट मैटर बिकॉज यू आर गोइंग टू इंप्लाई मॉडुलस। सो हियर वी अंडरस्टैंड दैट बी ए, द एलिमेंट बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्लियर। सो इट इज सिमेट्रिक, क्या बेटा ये सिमेट्रिक है, हमने रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, हमने सिमेट्रिक शो कर दिया, लास्ट वन इज यस ट्रांजिटिव, हमें ट्रांजिटिव शो करने जाना हो, ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट वही है जो हमने 2 के लिए अप्लाई किया था, वही हम 4 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, बात समझ रहे हो, क्योंकि हमने बोला था कि a माइनस बी का मॉडुलस, क्योंकि a भी बिलोंग कर रहा है r को, इज मल्टीपल ऑफ 4, और जब हम b कॉमा c लेंगे कोई एलिमेंट r के अंदर तो b माइनस सी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये भी मल्टीपल ऑफ 4 का है, ठीक बेटा, बात समझ में आइए। अब दोनों का कर लिया, हम करेंगे दोनों का ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, अगेन b से b कट गया तो क्या आया a माइनस सी, अगर ये भी 4 का मल्टीपल है वो भी 4 का मल्टीपल है, दोनों को ऐड कर दो तो वो भी तो 4 का मल्टीपल आएगा, जैसे कि 8 इज 4 का मल्टीपल, 12 इज 4 का मल्टीपल, दोनों को ऐड कर देंगे 20 आएगा, 20 इज अगेन अ 4 मल्टीपल ऑफ 4, सो ये 4 का मल्टीपल है तो मतलब क्या हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हमने रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, सिमेट्रिक शो कर दिया, ट्रांजिटिव भी शो कर दिया, तो क्या नतीजा मिला हमें इस बात का कि यस आर ए कॉमा बी एलिमेंट सच दैट रिलेशन बिटवीन देम ए माइनस बी का मॉडुलस इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्लियर। दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली यू आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑल्सो, आई विल लीव दिस सेकेंड पार्ट टू यू, ओके। मैं आपको सेकेंड पार्ट छोड़ के जा रहा हूं क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि आप करोगे, क्योंकि आप नहीं करोगे तो फिर कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, फिर बाद में आप कहेंगे कि हाँ
हमसे ये क्वेश्चन अप्लाई नहीं हुआ, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में नहीं लगा, सो प्लीज ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन एज मच एज यू कैन. जितना आप करेंगे उतने कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे. क्लियर? सो व्हाई डोंट वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. या हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. व्हाट इज द क्वेश्चन ट्राइंग टू से? लेट आर बी द रिलेशन. आर हमारा कोई रिलेशन है. इन द सेट, सेट दे रखा है 1 2 3 4. सेट दे रखा है 1 2 3 4. और रिलेशन क्या दे रखा है? एलिमेंट्स क्या है रिलेशन में? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आईआईटी पैटर्न. हाउ कैन वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? पहली बात तो लेवल सुनकर डर लग पड़ता है कि आईआईटी का क्वेश्चन है, कैसे क्लियर होगा? बेसिक है कि एडवांस है, ये भी नहीं सोचते. पहली बात तो सोचना बंद कर देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों. पहले क्वेश्चन को समझो, जानो, पहचानो, और जो आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने समझे हैं, वही तो अप्लाई करने हैं. उन्हीं को अप्लाई करने के लिए मैं समझा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे. ध्यान दीजिएगा, हमें सेट दे रखा है, ए मान लिया मैंने, ए दे रखा है 1 2 3 4. रिलेशन हमें दे रखा है. यहां पे पहला केस क्या शो करना है, क्योंकि यहां पे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिकल, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है. आर रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. आर सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है. और आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो बेसिकली हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इन तीनों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. इन तीनों की नॉलेज होगी, इनको सॉल्व करेंगे, पता लग जाएगा क्या कंडीशन है, क्या नहीं है. डरने की जरूरत क्या है इसमें? सिंपल क्वेश्चन, नथिंग एल्स. फोकस करेंगे, पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की. अभी क्वेश्चन को देख के यहीं से हो जाएगा क्वेश्चन, ज्यादा पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है. क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि वो एलिमेंट अपने साथ ही रिलेशन बनाने जाएगा, अपने साथ ही रिलेशन बनाने जाएगा. अगर मैं एलिमेंट वन ले रहा हूं तो सेट क्या बनेगा? 1 1. क्या ये आर के अंदर बिलोंग नहीं है? कैसे कह सकते हो आर के अंदर बिलोंग नहीं है? ये क्या है? 1 1. तो भाई ये तो सेम एलिमेंट अपने साथ ही बना रहा है, सेट की नहीं बना रहा है, बना रहा है. तो मतलब क्या हो गया कि ये तो भाई रिफ्लेक्सिव है. क्या बेटा? रिफ्लेक्सिव है. क्लियर? ध्यान रहेगा, रिफ्लेक्सिव समझ आया कि नहीं आया यहां पे? अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक क्या कहता है? अगर एक बी का सेट बिलोंग कर रहा है आर के साथ, तो बी ए का भी करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन. अगर मान लेते हैं 1 2 है, अगर 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है. अगर 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी करना चाहिए. लेकिन 2 1 कहां दिख रहा है? 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2. वेयर इज 2 1? मतलब 2 1 जो है वो आर के अंदर नहीं है, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सॉरी रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक नहीं है. रिफ्लेक्सिव तो शो कर दिया हमने, रिफ्लेक्सिव है क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेशन बना रहा है. 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है. हर एक एलिमेंट 1 2 3 4 है, 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ रिलेशन, 3 का 3 के साथ रिलेशन, 4 का 4 के साथ रिलेशन. हर एक एलिमेंट बना रहा है अपने साथ रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है. क्योंकि 1 का 2 से तो है लेकिन 2 का 1 के साथ कहीं भी नहीं दिख रहा. दिख रहा है कहीं आपको? नहीं. 1 का 3 के साथ तो है लेकिन 3 का 1 के साथ नहीं है, तो नहीं है. तो भाई ये सिमेट्रिक कहां से हो गया? अब हमें ट्रांजिटिव निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो क्रॉस हो गया भाई, है नहीं सिमेट्रिक. इक्विवेलेंस कौन सा केस नहीं है? रिफ्लेक्स सिमेट्रिक नहीं है. सिमेट्रिक कौन सा नहीं है? ये बट नॉट सिमेट्रिक. तो आंसर क्या आ गया? बी. बी इज द आंसर. आर एक रिफ्लेक्सिव है, आर एक ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है.
अगर चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ट्रांसिटिव है कि नहीं है। देखो यहीं पे देखो, वन का थ्री के साथ रिलेशन है, थ्री का टू के साथ है कि नहीं है, क्योंकि ये हो गया ए बी जो कि आर को बिलोंग कर रहा है, ये हो गया बी सी ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो ए सी कौन सा होगा, वन टू। ये क्या घूम रहा है यहां पे, ये भी तो आर को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव है। इसलिए मैंने बोला कि आंसर क्या है, बी, आर रिफ्लेक्सिव है जो यहां पे शो कर दिया, आर ट्रांजिटिव है जो यहां पे आपको समझाया, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है जो मैंने यहां पे आपको समझाया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द क्वेश्चन एंड हाउ द वे टू डू द क्वेश्चन, क्लियर? ओके गुड, नाउ वी आर गोइंग टू मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्लास। ओके, हियर कह रहा है R एक रिलेशन है नेचुरल नंबर के सेट का, किसका बेटा, नेचुरल नंबर के सेट का रिलेशन कौन शो कर रहा है, R कर रहा है, और रिलेशन क्या है, ए बी का एक एलिमेंट है जिसमें A जो है B माइनस टू है, क्या है बेटा, B माइनस टू, A क्या है, B माइनस टू, और B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिक्स से बड़ी, छोटी से बात ही नहीं करता भी, क्या करें, डेंजर आदमी है, पंगा ले नहीं सकते, मानना पड़ेगा ना उसकी बात। तो ये तो कह रहा है भाई, ए कह रहा है जब बी होगा तब मैं हूं, एक भाई दूसरा भाई तभी आएगा, और बी कह रहा है कि मैं तो छह से बड़ा हूं, अच्छे अच्छे छह से बड़े हैं भाई, क्या करें उसका, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहां पे हमें सेट्स दे रखे हैं, सेट्स नहीं बेसिकली एलिमेंट दे रखे हैं, टू फोर आर को बिलोंग कर रहा है, थ्री एट आर को बिलोंग कर रहा है, सिक्स एट आर को बिलोंग कर रहा है, एट सेवन आर को बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन देख के बच्चा परेशान, क्या करना है इस क्वेश्चन में बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट को चेक करना है, क्या एलिमेंट इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, और यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू है, मैथमेटिक्स है, पुट करके देख लो, कैसे पुट करके देख लेंगे, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये भी ए, ये बी, ए बी ए बी ए बी, ए और बी समझ में आया कि नहीं आ गया, एलिमेंट दे रखा है भाई हमें ए बी, क्लियर? अब कंडीशन पुट करो, ए टू हम मान लिया हमने फर्स्ट के लिए, तो बी कितना होगा, फोर माइनस टू, ये तो टू आ गया, ये तो सही है, लेकिन क्या टू सिक्स से, सॉरी फोर है यहां पे, क्या फोर सिक्स से बड़ा है, नहीं, तो बात समझ में आ गई कि टू फोर जो है वो नहीं है, ऑप्शन पुट करके देखो, जय माता दी, क्लियर? नेक्स्ट है थ्री एट, ए हमारा क्या आ गया यहां पे, थ्री, और बी कितना आ गया हमारा, एट, भाई एट सिक्स से बड़ा है, ये तो सही बात है, लेकिन यहां तो पुट करो थ्री एट माइनस टू, भाई मेरे को कौन सी क्लास में बताया गया था बेटा तुमको कि थ्री सिक्स के बराबर होता है, ऐसा मैंने तो नहीं पढ़ा आज तक, तो ये तो है ही नहीं बराबर, इसका नतीजा क्या निकला, इंप्लाई क्या करोगे आप, इंप्लाई करोगे थ्री और एट भी रिलेशन के अंदर का एलिमेंट नहीं है, इनका रिलेशन नहीं है। तीसरे पे आ जाओ, सिक्स एट, यहां पर ए आ गया सिक्स, बी आ गया एट, अब कुछ बात जमती दिख रही है, क्योंकि एट तो सिक्स से बड़ा है, फर्स्ट कंडीशन फुल होगी, दूसरी है सिक्स इज इक्वल टू एट माइनस टू, यानी कि सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स, ये मैंने पढ़ा है कि छः छः के बराबर होता है, ठीक है, और बी भाई है भाई छः से बड़ा होना चाहिए, है आठ है, क्लियर बात बेटा? तो यहां से क्या बचल गया, यहां से बचल गया कि जो आपका एलिमेंट है सिक्स एट ये बिलोंग कर रहा है, तो आंसर ये है, तो आंसर ये है, दिस इज द आंसर, इंटरेस्टिंग, मजा आया? तो ये थी आज की क्लास, और मैं तो समझ सकता हूं कि आपको समझ में सब कुछ आ गया होगा, लेकिन प्लीज मेहनत करना ना भूलिए, वेकेशंस को भूल जाइए फिलहाल के लिए, क्योंकि ध्यान एजुकेशन पर, नेक्स्ट वेकेशन तक, कल होली मनाई होगी, अच्छे से मनाई होगी, हम सब आशा करते हैं कि आप ऐसे ही इंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए,
एकलव्य एजुकेशन के साथ। आगे जरूर बढ़िएगा और प्लीज हम आपको फिर से बोल दे रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, क्वेश्चंस प्लीज लिंक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमसे सीधा एक रिलेशन बनाइए, क्योंकि आज हमने क्या पढ़ा है, रिलेशन, उसके बाद फंक्शन की बात करेंगे। ओके, सो गुड आफ्टरनून अगेन, एंजॉय ऑल।